गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वुड होस्ट द ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स 2022? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना होस्ट करने वाला है दी पैरा ओलंपिक एंड दी ओलंपिक विंटर गेम्स 2022, जिसकी थीम रहेंगी टुगेदर वी कैन शेयर द फ्यूचर, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, ये इसकी थीम रहेंगी। और पैरा ओलंपिक गेम्स फेब्रुवरी 4 to 20 2022 में होने वाली है। यहाँ पर मैंने सभी कंट्रीज़ की कैपिटल दी है। चाइना की कैपिटल है बेंजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन और जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। क्वेश्चन टू, इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व ऑन विच सैटरडे इन सेप्टेम्बर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3rd। एवरी ईयर सेप्टेम्बर महीने के 3rd सैटरडे को रेड पांडा डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसे ऑब्जर्व किया गया है एट 18th सेप्टेम्बर। रेड पांडा डे लॉन्च किया गया है बाय रेड पांडा नेटवर्क। इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम 2010 से। हाँ, अभी रेड पांडा सिर्फ 10,000 ही बचे हैं, इसके लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन 3, व्हेन इज़ द वर्ल्ड बाम्बू डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व बाम्बू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड बाम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन और इसे 8th वर्ल्ड बाम्बू कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक 2009 में इसे स्टार्ट किया गया है। और इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है जिससे लोगों की अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए फॉर द फास्ट ग्रोइंग ग्रास प्लांट बाम्बू, बाम्बू के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू कमर्शियलाइज द प्रोडक्शन ऑफ मऊआ नूत्रा ब्रेवरेज? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। ये इसका सही जवाब है। मऊआ नूत्रा ब्रेवरेज एक ब्रेवरेज है जिसे इट इज़ ए हेरिटेज ड्रिंक, ये मिलती है झारखंड में। ये इम्पोर्टेंट है, झारखंड में मिलती है और इसे FIIT फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में मिलकर ट्राइफेड के साथ मिलकर इसे एक इनोवेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा FIIT की बात करें तो इसे IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है और ट्राइफेड को 1987 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएंगी इन ट्राइबल एरियाज। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रन द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूपी। यूपी द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। इसमें 21,000 टूल किट्स दी गई टू दी वर्कर्स। इस योजना के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी फॉर एग्जांपल कारपेंटर,
टेलर, गोल्ड स्मिथ, इन सभी व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। और इस योजना को स्टार्ट किया गया एज अ कॉमरेड टू पीएम मोदी, और इसका नाम विकास उत्सव के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। बाकी ऑप्शंस की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और सीएम है उद्धव ठाकरे जी, एंड दी गवर्नर इज़ भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। गवर्नर, न्यू गवर्नर बने हैं तमिलनाडु के इज़ आर एन रवि। केरला की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनराया विजयन, एंड गवर्नर इज़ आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन न्यूज़ पोर्टल हैज़ रिसीव द 2001 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दी वायर। अगर हम इसकी बात करें तो इसको आयोजित किया गया था इन वेनिया, इन दी कैपिटल ऑफ, वेनिया की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इसे आयोजित किया गया था, और इसे इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट को 1996 में स्टार्ट किया गया था फॉर इनोवेटिंग जर्नलिज्म एंड न्यूज़ एक्सेस के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस अवार्ड को दिया गया है टू दी एडिटर संगीता पिश्त्रे, और उसके अलावा सिद्धार्थ वारदराजन, इन दोनों एडिटर्स को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च मोबाइल ऐप प्रगति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। इस ऐप पर अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द रियल टाइम अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एजेंसी। एजेंसी के बारे में अपडेट प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम LIC की बात करें तो LIC इस्टेब्लिश की गई है 1 सितंबर 1956 में अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन्फॉर्म दैट होल ऑफ ओजोन क्रिएटेड एवरी ईयर इज़ नाउ लार्जर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन यूनियंस कॉपरनिकस। इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि ओजोन की जो परत है वो पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर हम ओजोन होल की बात करें तो ओजोन होल हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इन साउथ पोल रीजन में इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग महीने में फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर में हर साल ये होता है। और होल इन दी ओजन अगर हम बात करें तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया इन 1987 से अंडर द मोनिटोरियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 9, इन विच बैंक अमित सक्सेना ज्वाइन एज चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI में अमित सक्सेना ने ज्वाइन किया एज चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ये पहले SBI के टेक्निकल ऑफिसर थे, अभी इन्होंने
आरबीआई में भी ज्वाइन किया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को अकाउंट किया गया था, आरबीआई इनोवेशन हब स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 6 अगस्त 2020 से इसे स्टार्टअप किया गया था और इसमें अमित सक्सेना जी को एज अ चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाया गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के सीईओ हैं राजेश बंसल और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, कैनरा बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। इंडिया इंडियन बैंक की हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसकी टैगलाइन है योर टेक फ्रेंडली बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा की कैपिटल है वडोदरा गुजरात में और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्वेश्चन 10, व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका सही जवाब है 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसका एम है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाया जाए फॉर वाटर, वाटर को ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए वाटर को। और इसे स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट स्टार्ट किया गया था 2003 में बाय द अमेरिकन क्लीन वाटर फाउंडेशन। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे होता है। क्वेश्चन 11, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसका सही जवाब है 18 सितंबर और इसे स्टार्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 2020। इसे 2020 से स्टार्ट किया गया है, इसे नवंबर 2019 में ऑब्जर्व मतलब स्टार्ट करने वाले थे बट इसे 2020 से स्टार्ट किया गया है। इस दिन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर काम के लिए अगर कोई सेम वर्क है तो उसके लिए पेमेंट भी सेम ही होना चाहिए। सो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। तो आपको दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ डेट याद रखनी है, बाकी आप उसका एम वगैरह याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन। कचरा बिन में रखे, कचरा कचरा पेटी में रखे और समुद्र में नहीं। तो हमें सबको ये याद रखना चाहिए कि हमें हमारी नदी ओशन इन सबको अच्छे से साफ रखना है, इसमें कोई कचरा नहीं डालना है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोस्टल डे हर साल 3rd Saturday ऑफ सितंबर में मनाया जाता है। इस साल इसे 18 सितंबर इज़ द डेट फॉर द 3rd Saturday। इसकी थीम कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन और इसे स्टार्ट किया गया है 1986 से बाय ओशन कॉन्जर्वेंसी। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डिज़ाइन अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप, वाटर स्ट्रीम एंड इवन फ्रॉम द ओशन वेव्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे पानी की बूंदें या फिर रेन ड्रॉप्स या फिर ओशन वेव्स रहती है और वाटर स्ट्रीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएंगी और इसे इस डिवाइस को बनाया है IIT दिल्ली ने। क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन 14th है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस दैट द फेमस सिरका खोंग चिली
and the Tamiglong Orange have now received the geographical index tag? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुर. मणिपुर स्टेट ने GI टैग दिया है फॉर सिरखोंग चिली एंड दी तेमेंगलोंग ऑरेंज. इसको GI टैग प्रोवाइड किया गया है. अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के CM ने इसे अनाउंस किया है. मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और इसके CM है एन बिरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो त्रिपुरा के CM, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला. यहाँ के CM है बिप्लब कुमार देव. यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण अरे. सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक. यहाँ के CM है PS गोलाय. यहाँ के गवर्नर है गेंगा प्रसाद. आसाम की कैपिटल है दिसपुर. यहाँ के CM है हेमंत बिस्वा और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ गुड डे.